इस टाइम का एक बहुत बड़ा अपडेट और निकलकर सामने आ रहा है कि कंगना रनौत ने करण जौहर को फिर एक बार निशाना बनाया। जी हाँ, करण जौहर को साफ तौर से उन्होंने निशाना साधते हुए ये सब बोला, बहुत कुछ बातें बोली गई और ट्वीट भी उनका सामने आया। कंगना ने कहा, साजिश करके सुशांत का कैरियर बर्बाद किया है करण जौहर ने, पाकिस्तान को सपोर्ट किया और सेना के खिलाफ फिल्म बनाई, भारत सरकार 50 अवार्ड वापस लें। इस तरह के यहाँ पर जो है वो स्टेटमेंट सामने आते हैं। ट्वीट के अंदर कंगना रनौत के बहुत बड़े रिएक्शन सामने आए। ट्वीट पर एक ट्वीट शेयर करते हुए कंगना रनौत ने करण जौहर को साजिशकर्ता एंटी नेशनल बताया है। साथ ही उन्होंने ये भी मांग की है कि भारत सरकार उन्हें दिया गया, मतलब भारत सरकार उन्हें दिया गया अपना 50 अवार्ड वापस लें। कंगना ने एक बार फिर सुशांत सिंह राजपूत की मौत की जिम्मेदारी ठहराते हुए उनके कैरियर को बर्बाद करने का आरोप लगा डाला है। करण जौहर के ऊपर साफ तौर से निशाना साधा गया। ये है कंगना के आरोप जो यहाँ पर मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ। इस ट्वीट में कंगना ने लिखा, मैं करण जौहर का 50 अवार्ड वापस लेने के लिए भारत सरकार से अनुरोध करती हूँ। उन्होंने मुझे खुले तौर पर धमकाया है। मुझे एक अंतर्राष्ट्रीय मंच पर इंडस्ट्री छोड़ने के लिए कहा गया था। सुशांत के कैरियर को बर्बाद करने की साजिश रची गई थी। उन्होंने उरी लगाई के दौरान पाकिस्तान का समर्थन किया और अब हमारी सेना के खिलाफ एंटी नेशनल फिल्म भी बनाई। तो ये है स्टेटमेंट अभी तक का कंगना रनौत का, जो स्टेटमेंट सारी सामने आई है ट्वीट के जो है शेयर करते हुए कंगना रनौत ने अपनी स्टेटमेंट करण जौहर के अगेंस्ट दिए। और करण जौहर अब पूरी तरीके से निशानों के विवादों के मुद्दे पर जो है वो पूरी तरह से खड़े हुए हैं। करण जौहर का जो है वो पूरी तरीके से कैरियर ख़त्म हो गया। बॉलीवुड से उनका बायकट करने की बात की जा रही है और इस साल तो जो है वो करण जौहर बायकट हो ही गए थे। हालांकि इन्हीं सारी स्टेटमेंटों को, इन्हीं सारी जितने भी कमेंट्स आ रहे थे, ट्रोलिंग हो रहे थे करण जौहर, इन सारी ट्रोलिंग की वजह से करण जौहर ने बॉलीवुड से संन्यास ले लिया था। तो अब तक का सबसे बड़ा स्टेटमेंट कि कंगना रनौत ने करण जौहर के ऊपर किस तरीके से निशाना साधा है और साफ तौर से ये सब बताया कि सुशांत सिंह राजपूत का कैरियर बर्बाद करने में सबसे बड़ा आपका हाथ है और पाकिस्तान को आप सपोर्ट कर रहे थे और आर्मियों के अगेंस्ट ऐसे ऐसे अश्लील आप वीडियो बना रहे थे एकता कपूर के साथ में मिलके। तो इस तरह से जो है वो स्टेटमेंट सारी निकल कर सामने आई हैं।